हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 1 जनवरी 2019, यानी कि साल का पहला दिन। एंड सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आज से ये कोर्ट स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए, इसका आंसर बताओ। एंड सेकंड क्वेश्चन मुझे बताओ, द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव रिसेंटली बिल्ट ए वर्चुअल रियलिटी 3D मॉडल ऑफ कैंसर। तो कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स ने ये 3D मॉडल ऑफ कैंसर बनाया, इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज से हम विनर भी अनाउंस करेंगे जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा। आज के वीडियो में विनर अनाउंस किए कल के क्वेश्चंस का, जिसका आंसर सबसे, स्क्रीनशॉट के साथ उनका नाम भी है। तो इसलिए आप भी आंसर्स दो, सबसे पहले वीडियो एंड तक देखो एंड उनके आंसर्स मुझे बताओ इन डिटेल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड एज द ICC वुमेन ODI प्लेयर ऑफ द ईयर। यानी कि 2018 की ICCI वुमेन ODI प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बन गई। तो ये बन गई, इनकी पिक्चर आपके सामने आए, ये बन गई है स्मृति मधाना, ठीक है। स्मृति मधाना बन गई है 2018 की ICCI ODI प्लेयर ऑफ द ईयर। इनका नाम आप याद रखो। एंड ये वन डे इंटरनेशनल में बनी है, तो T20 में जो बनी है वो बनी है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है एलिसा हैली, ठीक है। एलिसा हैली बनी है 2018 की ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। इसका भी नाम, इनका भी आप जरूर नाम याद रखो। एंड स्मृति मिदाना बनी है, ठीक है, 2007 में। इससे पहले चुलन गोस्वामी बनी थी, तो काफ़ी साल बाद ये, मतलब अराउंड 11 साल बाद फिर से हमारी इंडिया की बनी, ठीक है। सेकेंड वुमेन बन गई जिन्हें ये मिला। एंड इन्होंने देखो, अब ये ओवरऑल जो रैंकिंग में है फोर्थ नंबर पे, ICCI वुमेन प्लेयर ऑफ द, मतलब जो रैंकिंग ICCI की है उसमें चौथे नंबर पे। तो ये याद रखो, चौथे नंबर पे है हमारी ODI में, 10th नंबर पे T20 में। तो ये भी जरूर याद रखना, फोर्थ नंबर पे है ICCI जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग, चौथे नंबर पे ODI में एंड 10th नंबर पे T20 में। तो ये भी याद रखो। एंड इन्होंने 2018 में 669 रन किए इन 12 ODI मैच खेले, इन्होंने 669 रन किए। एंड 25 T20 खेले तो उन्होंने 622 रन किए, मतलब 622 रन इन 25 T20s एंड 669 रन इन 12 ODI। तो ये नाम आप याद रखो, स्मृति मधाना, ठीक है। एंड अबाउट, देखो अभी हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके रिलेटेड है, जो अभी हाल ही में इंडियन वुमेन टीम के कोच अपॉइंट हुए थे WA रमन, उनका नाम भी याद रखो। एंड मिथाली राज ODI टीम की कैप्टन है, हरमनप्रीत कौर का भी नाम आप जरूर याद रखो। अभी हाल ही में इन्होंने शतक लगाया था, एक इतिहास बना था, हरमनप्रीत कौर का भी नाम याद रखो, अभी इन्होंने शतक लगाया था। मिथाली राज जो कैप्टन है एंड स्मृति मिदाना का, दोनों आप जरूर नाम याद रखो। ओके, तो इतनी चीज़ें आप जरूर याद रखो फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप करते हैं सेकेंड वन। एज पर रिपोर्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 2017 और 18 में कितने बैड लोन्स को रिकवर किया गया। तो कितने टोटल बैड लोन्स को रिकवर किया गया, तो ये किया गया 40,400, ठीक है, थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टसी कोड एंड सरफियासी एक्ट होता है उसके, आप जरूर याद रखो। तो इस इन्हीं के अकॉर्डिंग, थ्रू दिस टाइप्स ऑफ, एंड उसके बाद एक और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग, ये सारे अपने हमने जो बैड लोन्स थे हमने रिकवर किए, कितने 40,400। एंड ये RBI की रिपोर्ट है। एंड RBI के बारे में जो अभी देखो हाल ही में जो RBI न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो हर बार ही बताता हूँ जब भी RBI आता है, स्टिल आप फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। RBI की जो RBI की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, प्रीवियस इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, देन ये नेशनलाइज्ड हुआ था 1 जनवरी 1949 में, एंड इसके हेडक्वार्टर्स देन शिफ्ट कर दिए गए थे फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई, ठीक है। एंड जो उसके बाद जो आपको याद रखना है इसमें, जो हमारे इंडियन फर्स्ट RBI गवर्नर थे वो थे CD देशमुख, उसका नाम भी आप याद रखो। एंड जो ओवरऑल RBI के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, उनका भी नाम आपको याद रखो। एंड हाल ही में अभी RBI के जो गवर्नर बने शशिकांत दास, तो उनका नाम भी आप जरूर याद रखो। तो इतनी चीज़ें आपको जरूर याद रखने फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये अपॉइंट हुए CIC न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो इनका नाम है सुधीर भार्गवा, ठीक है। तो नाम आप जरूर याद रखो, सुधीर भार्गवा।
देन हनी बी प्लान, ठीक है, हनी बी प्लान एक इंडियन रेलवे ने चलाया। तो आपको बताना है कि कौन से एनिमल को टू कीप अवे विच एनिमल फ्रॉम द रेलवे ट्रैक, ठीक है, हादसे हो जाते थे, ये एनिमल रास्ते में आ जाते थे ट्रैक्स में, तो किसके लिए ये हनी बी प्लान चल। देखो बेसिकली हनी बी की आर्टिफिशियल वॉइसेस लगाई जाएंगी, ठीक है, जैसे ये एनिमल पास आया तो हनी बी की आवाज़ चलाए तो ये भाग जाए, ठीक है। तो कौन सा एनिमल है ये, है जी एलिफेंट, ठीक है। तो ये किसने योजना चलाई, प्लान चलाया, हमारे रेलवे के जो मिनिस्टर हैं सबको पता ही होगा, पीयूष गोयल। ओके करते नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रिडिक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी बाय 2028। एक प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस के 2028 में हमारे हमारी इंडिया की एक सिटी है जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी बन जाएगी। देखो अभी राइट नाउ टोक्यो है हमारी पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटी है, अब 2028 की प्रिडिक्शंस तक बाय यूनाइटेड नेशंस, तो हमारा अपना कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली बन जाएगी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिटी। तो नाम आप जरूर याद रखो न्यू दिल्ली, ठीक है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। देन नेक्स्ट इज, हाल ही में भारत ने 20 साल में पहली बार विदेशी निवेश प्राप्ति में अपने किस पड़ोसी देश को पछाड़ा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे इंडिया ने 20 साल बाद किसी को, किसी कंट्री को पछाड़ दिया, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को पछाड़ दिया हमारे इंडिया ने 20 साल बाद, तो ये पछाड़ दिया जी हमारा चाइना को, ठीक है। हमारी कंट्री में वॉलमार्ट एंड यूनिलीवर जैसी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, तो इससे हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था जो बाहर की कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। हमारे इंडिया में 2018 में 38 अरब डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ एंड इन चाइना 32 अरब डॉलर का। तो हमारे इंडिया ने 20 साल बाद अपने पड़ोसी देश चाइना को हरा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिलीज पांडा बॉन्ड रिसेंटली। तो पांडा बॉन्ड रिसेंटली किसी कंट्री ने जारी किए, बेसिकली इन्होंने एक इसका आंसर बता दूं, ये किए जी पाकिस्तान ने जारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पाकिस्तान ने पांडा बॉन्ड जारी किए। देखो पाकिस्तान ने जारी इसलिए किए कि ताकि चाइना के शेयर मार्केट से पैसे जुटाए जा सके, ठीक है, जितना भी लोन कर्ज वगैरह है, तो इसलिए वो शेयर मार्केट से चाइना के ये पैसा जुटाना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने पांडा बॉन्ड जारी किए, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान ने किए, पाकिस्तान के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैपिटल इस्लामाबाद, वहाँ के जो पीएम बने भी हाल ही में बने थे इमरान खान, वहाँ के प्रेजिडेंट आरिफ अलवी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली मृणाल सेन डाइड, मृणाल सेन का भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी फील्ड, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे, ठीक है। तो ये करते थे जी फिल्म इंडस्ट्री से, इन्हें दादा साहब फाल्के एंड पद्म भूषण भी से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया एंड इनकी 95 उम्र में, मतलब 95 साल में कोलकाता में जाके इनका निधन हुआ। ओके, तो इनका नाम याद रखो मृणाल सेन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप ए कमेटी अंडर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलान, तो इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई, तो आपको बताना है कि ये कौन सी, क्या रिव्यू क्या करेगी, तो ये करेगी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी कि हमारा आर्थिक ढांचा, ठीक है। तो इसको रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई, तो याद रखो इसमें जो किसके ये जो मतलब हेड कौन होंगे, बिमल जलान, जो इनका नाम भी याद रखो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है। तो ये किसको रिव्यू करेगी, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटल भाषांतर योजना, ठीक है, तो एक ये योजना चलाई गई, ठीक है, तो ये बताना है कि ये किसके द्वारा योजना चलाई गई, बाय विच फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। देखो ये योजना चलाई क्यों गई, देखो ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो हमारे हम ट्रेन करे, ठीक है, लैंग्वेजर जो ट्रांसलेट कर पाए इंडिया हिंदी को, कैसे चाइनीज़ में करना है, अरेबिक में करना है, फ्रेंच में करना है, फ्रांस में करना है, तो इस तरीके के ये बनाई जाएगी, इस योजना का नाम रखा गया अटल भाषांतर योजना, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा बनाई चलाई गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका नाम भी आप याद रखो, वो है सुषमा स्वराज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वे ऑन रिटेल पेमेंट हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल हैज़ बिन लॉन्च, मतलब एक सर्वे चलाया गया कि जैसे हम किस तरीके की हम पेमेंट्स करते हैं, बाय चेक की जाती हैं, बाय कैश की जाती हैं, तो एक ये पूरा एक चलाया गया, एक प्रोग्राम चलाया गया, तो आपको बताने कि किसके द्वारा ये चलाया गया, तो ये चलाया गया जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। देखो बेसिकली अब मैंने कुछ चेंजेस लाई हैं अपने वीडियोज़ में, पहले हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 to 11 होते थे, बट आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज़ की जाएँ, ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम होगा, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं पूरे 101% सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बता दो आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि किस वे में करें, ठीक है, अकॉर्डिंग यूर सजेशंस वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेंट्रल प्रूव्स हाउ मच क्रोर असिस्टेंट फॉर साइक्लोन गाजा. ठीक है, साइक्लोन गाजा तमिलनाडु में हिट किया था इसने, तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये अप्रूव किया कि कितने करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी. तो ये दी जाएगी 1146.12 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस टू तमिलनाडु फॉर साइक्लोन गाजा. ठीक है, साइक्लोन गाजा ने हिट किया वहाँ के, ये इंपॉर्टेंट याद रखना गाजा. देन उसके बाद हाल ही में सरकार ने किस तिथि से पहले सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने अनिवार्य कर दिया. ठीक है, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई जाएगी. देखो, आपके व्हीकल्स वगैरह चोरी हो जाते थे, और चोरी करने के बाद जो चोर होते थे वो नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर देते थे, अब ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ये देखते हैं अब किस तरीके से होगी, तो ये लगवाई जाएगी. ठीक है, अनिवार्य कर दिया कि 2019 के 1 अप्रैल तक ये लगवानी पड़ेगी. ठीक है, तो हाई सिक्योरिटी ये लगवाई जाएगी ताकि इन केस आपकी व्हीकल वगैरह चोरी भी हो जाती है. देन उसके बाद आपको मतलब वो इस तरीके से उनका सिस्टम होगा, लाइक चिप बेस्ड होगा, ताकि कोई भी इसको आगे चोरी ना कर पाए एंड उस पर चेंज ना कर पाए. ठीक है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी. अब जब आएगी तो हम इसे देख पाएंगे कि क्या चीज़ होगी. ठीक है, फिलहाल तो ये याद रखो 1 अप्रैल 2019. एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको व्हीकल के रिलेटेड, आई होप आपको याद होगी, अगर आप डेली देख रहे हो करंट अफेयर, मैं कई बार बताता भी हूँ, जब देखो सारी चीज़ों को मैं रिलेट करना चाहता हूँ ताकि अब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है. अब आपको मैंने बताया था BS4 व्हीकल्स, आई होप सबको याद आ गया होगा, BS4 व्हीकल्स की सेल बैन हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था 1 अप्रैल 2020 के बाद BS4 व्हीकल्स बैन हो जाएंगे इंडिया में. देखो, अब BS4 व्हीकल्स क्या होते हैं, कहीं कोई अभी ये चीज़ मैं बता देता हूँ. देखो, अब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आपने देखा होगा कि जिस पे 5-स्टार रेटिंग होती है, 4-स्टार रेटिंग होती है, जितने स्टार कम होते जाते हैं तो आपको लगता है कि ये एनर्जी एफिशिएंसी नहीं देगा, मतलब एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा, तो हम उसको नहीं प्रेफर करते. तो इसी वे में ये एक व्हीकल्स की भी कैटेगरी होती है. ठीक है, अब हमारे इंडिया में BS4 व्हीकल्स भी बैन हो जाएंगे. BS5 व्हीकल्स की कैटेगरी है नहीं है, तो BS6 व्हीकल्स हो उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे सेल होना. ठीक है, तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया BS4 व्हीकल्स की सेल बैन होगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. ओके, 1 अप्रैल 2020 यानी कि T2020. ओके, देखो ये हो गया आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, एंड किसी को कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ठीक है, देन उसको मैं क्लेरिफाई करने की जरूर कोशिश करूँगा. एंड अब आया हमारा इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन. जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन के आपने आंसर्स करने हैं मुझे, ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे. गुवाहाटी बताओगे कौन सी नदी के किनारे स्थित है. ओके, सेकेंड में आप गुल्फ ऑफ मन्नार बताओगे, ये कौन सी कोस्ट के अकॉर्डिंग विच स्टेट में कहाँ पे है, कौन से राज्य में. एंड सिटी ऑफ नासिक कौन से नदी के किनारे है. एंड उसके बाद बताओगे नंगा पर्बात जो पीक है, ये चोटी है, ये कौन से राज्य में है. एंड एक और लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट हिल कौन सा है. तो ये 5 के 5 आप मुझे आंसर्स बताओ. नहीं भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 1 आता 2 आता या कोई भी नहीं आता स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोशिश करो बताने की, कल के वीडियो में इनके आंसर्स बताऊंगा. कल जो क्वेश्चंस पूछे थे आपसे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर. ठीक है, देखो ये आंसर्स, देखो मैंने ये विनर अनाउंस इसलिए किया कि ताकि आप लोग भी इसका बेटर वे में एक्सप्लेन करो. जो चीज़ें आप लिखते हो तो वो चीज़ें फॉर लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूल पाते हो. ठीक है, जो मैंने कल क्वेश्चंस पूछे थे कि टोटल कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की कितनी है, वो है जी हमारी 7517 यानी कि 7517 किलोमीटर. ठीक है, अब आंसर आप इनका जो पिंड कमेंट आपको मिलेगा वो आप ज़रूर देखो. इन्होंने पूरी नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट कितनी है ये पूरी इन्होंने बताई, नॉर्थ टू साउथ कितनी है पूरी इन्होंने एक्सप्लेन करके बताई, आप कमेंट देख सकते हो. सेकंड मैंने पूछा था आपसे कि जो हमारा वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 कर दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया, तो ये किया था 61st अमेंडमेंट. ठीक है, आप कमेंट ज़रूर पढ़ो, ये काफ़ी अच्छे में लिखा हो, आप इनको देख सकते हो. ठीक है, थर्ड मैंने पूछा था राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया, तो वहां से उसका फंडामेंटल राइट से डिलीट करके एक लीगल राइट बनाया गया था, तो ये कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया, तो ये बनाया था 44 अमेंडमेंट 1978 के अंडर. ठीक है, एंड लास्ट पूछा था आर्टिकल 110 किससे रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है जी हमारा मनी बिल के लिए. ठीक है, तो ये हो गया जी आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. आई होप सारी चीजें क्लियर है एंड किसी को भी कोई डाउट नहीं है. एंड आज हमारे साल का फर्स्ट डे है. ठीक है, तो इसलिए देखो एक चीज़ तो होती है कि हम हर साल अपना एक रेजोल्यूशन लेते हैं. ठीक है, आपको भी एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेना है ताकि आप उस चीज़ पे फोकस कर पाओ. अगर आपको देखो लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, हार्डवर्क तो करना ही करना है, पेशेंस भी रखनी है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो उसको रेगुलरली करो, अपने टारगेट सेट करो अपने ईयर के लिए. आपको एक टारगेट जरूर सेट करना है अपने माइंड में कि आपने 2019 तक अपने माइंड में एक टारगेट जरूर सेट करो, उस गोल को आपको अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है. ठीक है,
विदाउट एनी टारगेट आप कुछ भी करो ना तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी नहीं। एंड एटलीस्ट अपने माइंड में एक जरूर टारगेट सेट करके रखो कि आपको इस चीज़ को अचीव करना है इन 2019। अपने एक रेजोल्यूशन ज़रूर बनाओ एंड उस पर काम करो पूरे साल, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन सबको। आई होप सबका साल 2018 जैसा भी गया अच्छा गया, बुरा गया अगर अच्छा गया तो वेल, बुरा गया तो भूल जाओ, आज एक नया साल स्टार्ट हो चुका है विथ न्यू फ्रेश एनर्जी। सारी चीज़ों को फिर से रिस्टार्ट करो एंड अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करो विद न्यू एनर्जी एंड होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।